तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं हरिद्वार। ये देखिए हरिद्वार, मेरा पीछे पूरा 360 व्यू। ये है हरिद्वार का गेट, एंट्री गेट, और ये मेरे पीछे शिव जी की मूर्ति, और ये है पीछे अंदर रेलवे स्टेशन जाने का गेट। तो अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी जा रहे हैं हम। यहाँ से हमारी ट्रेन है 6:30 बजे की, हरिद्वार से आपको 6:30 बजे की ट्रेन मिलती है जो ऋषिकेश से होके आती है। तो हम यहाँ से 6:30 बजे निकलेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे हम उसमें कि कैसे आप लोग कटरा तक पहुँचें, कटरा से कैसे वैष्णो देवी जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो, हाँ, तो इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जो बस बेस्ट करें, ठीक है। और हम आज जा रहे हैं वैष्णो देवी, तो चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको पहले हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। ओके, लेट्स गो। दरअसल जिस शहर में आज मैं आया हूँ, इसको दो नामों से जाना जाता है, हरिद्वार और हरद्वार। वैष्णव संप्रदाय के लोग इसे हरिद्वार बोलते हैं और शैव संप्रदाय के लोग इसे हरद्वार बोलते हैं। तो दोनों संप्रदाय के लोग इसे अपनी सुविधा अनुसार उच्चारण करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ रेलवे स्टेशन तक पहुँचने की, तो जो लोग हरिद्वार बस से आ रहे हैं, वो बस स्टेशन के ठीक सामने रेलवे स्टेशन स्थित है, तो आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप किसी भी व्हीकल जैसे अपनी कार, बाइक या किसी अदर व्हीकल से आ रहे हैं, तो आप किसी से ही पूछें कि हमें रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जाना है, तो वो आपको आसानी से यहाँ तक पहुँचने का पता बता देगा, जिससे आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकें। तो जो लोग रेलवे स्टेशन आने के बाद टिकट खरीदना चाहते हैं, तो वो एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में बनी बिल्डिंग में चले जाएं, वहीं पे टिकट काउंटर और पूछताछ केंद्र है। तो जो लोग टिकट खरीदना चाहते हैं वहां से टिकट खरीदें, और अगर आपको किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है या किसी भी प्रकार का आपको पूछना है कुछ, तो वहाँ पर पूछताछ केंद्र भी बनाया गया है। तो अब हम चलते हैं अंदर। अंदर चलते हैं और हमारा है, हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो ये इधर मेडिकल वाले, और चल दिए अंदर। ये यहाँ का पूछताछ विभाग इंक्वायरी। तो यहाँ से हमें, और हम यहाँ से राइट को जाना है, हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये भाई ट्रेन भी जा रही है, कुर्सी यान चेयर का। ओके, तो अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है हरिद्वार, एलिवेटर्स लग चुके हैं। ये देखिए पूरे एलिवेटर की फैसिलिटी मिल रही है। तो पहले से बहुत बदल गया है हरिद्वार। ये है यहाँ से पूछते हैं, यहाँ से देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 3 ऊपर से दिखाई देगा हमें, प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो ये है, यहाँ से हमें नीचे जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए। पूरी एलिवेटर्स की फैसिलिटी मिल रही है।
तो इसके बाद सीधे दिखाते हैं आपको ट्रेन में हमें कहाँ पे सीट मिली है। हमारी सीट वैसे कंफर्म हो गई है मगर सीटें बहुत दूर दूर मिली है, देखते हैं कुछ एडजस्ट हो जाए आगे पीछे तो उसमें देखते हैं। ये हमें जो सीटें मिली है बहुत दूर दूर मिली है हम दोनों को, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हमें एक साथ मिल जाए, बात करेंगे किसी से। तो बाकी दिखाता हूँ मैं आपको, ये है प्लेटफॉर्म। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30, तो हम तब तक वेट करते हैं अपनी ट्रेन का क्योंकि हमारी ट्रेन है 6:30 शाम को। तो जिस ट्रेन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है हेमकुंड एक्सप्रेस। यह ऋषिकेश से हरिद्वार होते हुए डायरेक्ट कटरा के लिए जाती है। 2 hours later. फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है। अब यहाँ पे काफ़ी भीड़ है तो हम आपको दिखाते हैं डायरेक्ट ट्रेन के अंदर, देखते हैं अपनी सीट। वैसे हमारी सीट कंफर्म है मगर काफ़ी दूर दूर पड़ी है तो शायद अभी हम एक साथ बैठ के ही जाएं, बाकी वहीं पे एडजस्ट कर लेंगे जैसा होगा। तो इससे ये तो समझ आ गया है कि आप कभी भी बुकिंग कर रहे हैं तो कम से कम 15 दिन पहले हरिद्वार से कटरा के लिए बुकिंग करें। अगर आप 10 दिन 5 दिन पहले बुक कर रहे हैं तो सीट कंफर्म होना बहुत मुश्किल है। वो तो हमारे लकीली ये है कि हमारे इसमें डब्बे बढ़ा दिए गए हैं, वरना हमारी सीट कंफर्म होना इतना इजी नहीं था। एक ही सीट पे दो फ्रेंड्स को एडजस्ट होकर जाना पड़ रहा है, ये देखिए ट्रेन की स्थिति। इस ट्रेन में सीटें बहुत कम मिल पाती है इसीलिए आज हमारी बड़े मुश्किल से वेटिंग लिस्ट कंफर्म हुई, लेकिन बहुत दूर दूर कर गया था हम दोनों को तो इसलिए अभी तो फिलहाल ऐसे ही बैठे हैं एडजस्ट करते हुए। तो ये देखिए रात का गुप्त अंधेरा, रात के 8 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन ने पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। अभी हम होंगे कहीं रुड़की के आसपास या रुड़की से आगे होंगे कहीं पे, और ये है पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई, सारी सीटें सबको मिल चुकी है, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों की सीटें फुल, और कुछ लोग यहाँ पे खड़े भी है दरवाजे के सामने। ये देखिए कुछ लोग दरवाजे के सामने अपनी सीट कंफर्म होने का वेट कर रहे हैं। तो ये है ट्रेन का पूरा हालात, बिल्कुल ट्रेन फुल हो रखी है तो इसलिए पहले ही बता दिया है मैंने, ट्रेन की टिकट पहले ही बुक कर लें, बात के भरोसे में ना रहे वरना आधी सीट मिलेगी। और ये हमारे बगल वाली सीट वाले पड़ोसी ये, और ये है हमारी सीट, एक मेरी ये नीचे हैं और एक यहाँ ऊपर है। और अब करते हैं, ये यहाँ के दरवाज़ा बंद कर चुका है, अब करते हैं सोने की तैयारी क्योंकि रात भी हो गई है। तो मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। और हाँ, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल भी। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जम्मू कश्मीर की ठंडी ठंडी वादियों में आप लोगों का स्वागत है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, जम्मू का ठंडी हवाएं अभी से ही फेस में दिखाई दे रही है, लग रही है तो महसूस हो रहा है कि हाँ जम्मू पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी सारी टनल्स हैं यहाँ पे और मॉर्निंग के बज रहे हैं 7, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल गई है और ट्रेन चल रही है फुल रफ्तार में। तो जैसे ही कटरा पहुँचते हैं हम आप लोगों को कटरा रेलवे स्टेशन में फिर से बताएंगे क्या क्या गाइडलाइंस है कोरोना में और कैसा दिखता है कटरा का रेलवे स्टेशन। तो तब तक के लिए आप नज़ारों का मज़ा लीजिए
और बने रहिए वीडियो में। Few moments later. Much, much, much later. A few inches later. तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन। ये हमारी इधर बर्थ थी, चल दिए। तो फाइनली अब हम नीचे उतर रहे हैं कटरा रेलवे स्टेशन में। ये देखिए लाइन देखो कितनी लंबी लगी हुई है यहाँ पे। ये सब PCR रिपोर्ट वाली लाइन है। अगर आप जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और कटरा रेलवे स्टेशन में आपसे ज़रूर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मांगेंगे, या फिर आपकी दोनों डोजेज लगी होनी चाहिए। PCR जो रिपोर्ट लानी है आपको 72 घंटे के अंदर की लानी है। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है पूरे अंत तक। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो रिपोर्ट ज़रूर लेके आए, क्योंकि विदाउट कोरोना रिपोर्ट या फिर आपकी दोनों डोजेज लगी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है आप पे तो आपको कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। भीड़ देखिए आप कितनी लंबी है। ये सारे वो है जो अपनी अभी हरिद्वार से आई हुई ट्रेन से कटरा पहुंचे हैं। ये है हमारी वो ट्रेन। शायद आप लोग भी मेरे साथ एक चीज में तो सहमत होंगे कि जब से रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ है तब से रेलवे स्टेशन और ट्रेनें बहुत सुधर गई है, बहुत ज़्यादा मतलब इनमें चेंजेस आ गए हैं। वरना गवर्नमेंट के टाइम में इतना बुरा हाल हुआ करता था इन रेलवे स्टेशन का कि हद से ज़्यादा, और ट्रेन के सफाई बिल्कुल ना के बराबर होती। ये देखिए ना आप सामने गार्डन देखिए कितना खूबसूरती से इस स्टेशन को सजाया गया है। ये देखिए बहुत प्यारा सजाया गया है और नीट एंड क्लीन है पूरा स्टेशन। ये सबसे मेन बात है। ये देखिए कितने मतलब बहुत अच्छा लगता है ये देख के ना। तो अब फैसिलिटीज़ भी काफ़ी सारी हो गई है। आप लोगों को पानी की फैसिलिटीज़ है, आप लोगों को चढ़ने उतरने के एलिवेटर्स बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन। हम यहाँ पे आज करेंगे वैष्णो देवी माता का यात्रा, और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप लोग सबसे सस्ते में वैष्णो देवी माता की यात्रा कटरा में रहकर कैसे करें, इसका पूरा बजट कितना हमारे चार्जेस पड़े, ट्रैवलिंग का, होटल्स का, खाने का, रहने का, और ऊपर वैष्णो देवी माता के भवन तक जाने का क्या क्या हमारी कॉस्टिंग पड़ी है, क्या क्या हमारे चार्जेस पड़े हैं, वो हम सारा इसमें कवर करेंगे। तो आपको मैं अभी लेके चलता हूँ होटल। पहले हम होटल बुक करते हैं, अगर हमें होटल सूटेबल पड़ता है तो हम होटल बुक करते हैं, या फिर हमें लॉकर लेना सूटेबल पड़ता है तो हम लॉकर लेते हैं। तो इसमें हम पूरी वीडियो में आपको दिखाएंगे कि सबसे सस्ते में कैसे यात्रा करें। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको होटल के अंदर, देखते हैं कि क्या क्या रेट्स है, क्या क्या उसके बजट है। लेट्स गो एंड सी यू देयर।